हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुषा रानी हियर। वेलकम टू अनुषा शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 1, फूड वेयर इट डज इट कम फ्रॉम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। तो ये कह रहा है कि आपने आज क्या खाया, आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया, क्या आपने जो कल खाया था वही आज खाया, और जो हम लोग रोज़ खाते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे खाते हैं वो सेम फूड तो नहीं होते हैं, है ना। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फूड वेराइटी। फूड वेराइटी, तो फूड वेराइटी में हमारा क्या हुआ कि अनाज का डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़, अनाज कितने तरह के होते हैं वो सब देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक तरफ वेजिटेरियन डिश है जो कि एक साउथ इंडियन डिश है, इडली डोसा, इडली सांभर एंड चटनी, और एक तरफ हमारा नॉन वेजिटेरियन डिश है फिश, और ये हमारे दाल हो गए हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी वन करते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो ये कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स से स्कूल में पूछिए कि वो दिन भर में क्या खाते हैं, और आप चाहे तो डिफरेंट स्टेट के भी अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं कि वो दिन भर में क्या लेते हैं, और आप उस चीज़ का एक टेबल बना लीजिए नोटबुक में, जैसा कि टेबल 1.1 में शो किया हुआ है। एक तरफ आप अपने स्टूडेंट या फ्रेंड के नाम लिखें और दूसरी तरफ उन फूड आइटम्स के नाम लिखे जो वो दिन भर में लेते हैं। तो फिर देयर सीम्स टू बी मच वेराइटीज इन फूड डेट वी ईट। फिगर 1.1 व्हाट आर दिस फूड मेड अप ऑफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं फूड के जो कि हम लोग खाते हैं, जैसा कि फिगर 1.1 में भी हमने देखा था, एक तरफ इडली थी, एक तरफ फिश थी, एक तरफ दाल थी, और लेकिन ये सारे जो फूड बनते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। Think about rice cooked at home. We take raw material, raw rice, and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. तो हम क्या करते हैं ना, जब चावल बनाते हैं तो वहाँ पर raw rice लेते हैं और water लेते हैं जिसमें हम उसे boil करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सिर्फ दो material यानी ingredient, ingredient मतलब कि जिन चीज़ को बनाने, जिन चीज़ को हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, उन चीज़ों को ingredient बोलते हैं। तो हमने वहाँ पे सिर्फ दो ingredient यूज़ किए, एक तो राइस दूसरा वाटर, तो हमारा चावल बन के रेडी हो गया। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इन्ग्रीडियंट टू प्रिपेयर। वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो कहीं पर बहुत बार ऐसे भी डिश होते हैं, बहुत सारे ऐसे जिसमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा इन्ग्रीडियंट यूज़ होते हैं। जैसे कि हम जब सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें सब्ज़ी चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं, ऑयल चाहिए होता है, और भी बहुत सारे इन्ग्रीडियंट चाहिए होते हैं। अब एक्टिविटी टू है, चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इन्ग्रीडियंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग योर विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम टू दिस लिस्ट। ओके, तो कह रहा है कि लिस्ट 1.1 में जो आपने फूड आइटम्स मेंशन किया था ना, उसमें से कुछ चूज़ करो और आप अपने फ्रेंड्स से और अपने बड़ों से डिस्कस करो कि वो किन इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, और उन्हें वो टेबल 1.2 में ऐड करो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप उसमें और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर रोटी डाला हुआ है, रोटी जो कि आटा और वाटर से बनता है। दाल, यहाँ पे पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस यूज़ होते हैं। ओके, सो व्हाट डू यू फाइंड? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास? सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम? तो हमने क्या पाया, क्या ऐसा होता है कि डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए सेम कॉमन इंग्रेडिएंट हो जाए? आप इस ये चीज़ को अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये इंग्रेडिएंट आते कहाँ से हैं। तो हमारा अगला पॉइंट इसी के बारे में है कि फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, मतलब हमारे जो फूड मटेरियल यानी कि फूड इंग्रेडिएंट है और उनके क्या सोर्सेस हैं, मतलब कहाँ से वो आते हैं। तो
इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इन्ग्रीडियंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम प्लांट्स ऑफ कोर्स वॉट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ rows and rows of plants which give us these grains and then there are food items like milk egg and meat which come from animals तो यहाँ पर जस्ट बताया हुआ है कि कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता है जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कि वो हमारे तो प्लांट्स से ही मिलते हैं हाँ लेकिन राइस और वीट कहाँ से मिलते हैं तो हमने देखा होगा किसी ने अगर तो खेत में उसकी खेती होती है वो रोज में ना प्लांट्स लगे होते हैं जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी 3 में दिखाया गया है कि यहाँ देखो आप रोज में प्लांट्स लगे हुए हैं ना एक एक रोज में यहाँ पे रोज पूरे रोज में प्लांट्स लगे होते हैं और उनसे ही हमें जो है कि ग्रेन्स मिलते हैं और कुछ एनिमल प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे कि मिल्क एग मीट ये सब ना हमें एनिमल से मिलते हैं जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं एक तरफ यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये प्लांट्स सोर्सेस से मिला हुआ है फ्रूट्स एंड दाल दूसरी तरफ ये एग जो है वो हमें मिलता है एनिमल सोर्स से है ना अब यहाँ पे एक्टिविटी 3 है लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इन्ग्रीडियंट एंड देयर सोर्सेज सम एग्जाम्पल्स आर सोन इन टेबल 1.3 फिल इन द ब्लैंक इन 1.3 एंड एड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट ओके तो यहाँ पर बता रहा है कि ये जो हमारे हमने पहले से जो इन्ग्रीडियंट को लिस्ट किया था ना उन सब को यहाँ पर डालो टेबल 1.3 में और उनके सोर्सेज को लिखो तो यहाँ पर जैसे कि टेबल 1.3 में हम देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया है एक तरफ इडली उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है राइस है उड़द दाल है सॉल्ट है वाटर है ये सब हमारे सोर्स प्लांट पे हो गया उसके बाद फिर यहाँ पर चिकन करी है चिकन करी के साथ हमारे पास हो गया चिकन स्पाइसेस ऑयल घी वाटर उसके सोर्सेस एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स फिर अगला है हमारा खीर खीर के साथ हमने इंग्रेडिएंट जो है वो मिल्क राइस शुगर जिसके सोर्सेस हो गए एनिमल और प्लांट ओके अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3 प्लांट आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट लाइक ग्रेन्स अर्लीज वेजिटेबल एंड फ्रूट एनिमल्स प्रोवाइड यू अस विद मिल्क मीट प्रोडक्ट एंड एग काउज गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक वाटर क्रीम चीज एंड कर्ड are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Okay. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि plants जो है ना sources of food होते हैं जो कि हमें grains, cereals, vegetables and fruits देते हैं animals जो है हमें milk, meat और egg provide करते हैं cow, goat और buffaloes जो होते हैं ना वो हमें दूध provide करते हैं और दूध से क्या बनता है हमारा milk product जैसे कि butter, cream, cheese, curd यहाँ पर तो सभी बच्चों को बटर जरूर पसंद होगा है ना बच्चों ओके तो यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि क्या आप ऐसे जानवर के भी नाम बता सकते हैं एनिमल के नाम बता सकते हैं जो कि हमें मिल्क प्रोवाइड करता है सो थिंक अबाउट इट हमारा अगला पॉइंट है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लांट के कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं वो पता करना है हमने और एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड मतलब एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम फूड की तरह से यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट मेनी लीव्स वेजिटेबल वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स समटाइम्स रूट्स समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स फिगर 1.4 में आप ये देख सकते हैं हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइट ओके तो ये कह रहा है कि आप प्लांट की जो सोर्स होते हैं ना हमारे फूड के लेकिन वो कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट के जहाँ जो हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड हम लोग ले सकते हैं तो कई आप लोग लीवी वेजिटेबल्स भी खाते होंगे कई के आपने फ्रूट्स खाए होंगे कई के रूट्स भी स्टेम्स भी फ्लावर्स भी आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर को
पकोड़े खाए हैं, यहाँ पे जो ये लिखा है ना, पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, दैट मीन्स वो पम्पकिन का जो फ्लावर होता है उसके पकोड़े आपने खाए हैं, तो ये दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पम्पकिन के फ्लावर भी हम खा लेते हैं तो वो भी एडिएबल होता है। एडिएबल मीन्स होता है कि जो हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्लावर के पार्ट दिखाए जा रहे हैं, एक प्लांट के पार्ट दिखाए जा रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे मेंशन हुआ है फ्लावर फ्रूट, फिर हमारे पास मेंशन हो रहा है स्टेम लीफ नोड इंटरनोड बड, ठीक है। ये हमारा शूट सिस्टम होता है और नीचे ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, और इसमें ये रूट सिस्टम होता है, ठीक है। और ये डिफरेंट एडिएबल पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं, मतलब कि ये अलग अलग जो हम लोग खा सकते हैं वैसे पार्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिएबल पार्ट्स, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ ए बनाना प्लांट डेट आर यूज एज फूड, थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। ओके, तो कई सारे ऐसे जो होते हैं ना प्लांट जिसके दो से ज़्यादा एडिएबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मस्टर्ड सीड्स के, तो मस्टर्ड सीड्स से ना ऑयल बनता है, और मस्टर्ड सीड्स को भी यूज़ किया जाता है वेजिटेबल्स में डालने के लिए एज अ छोंक, जब छोंक लगाया जाता है ना वहाँ पर मस्टर्ड सीड को यूज़ किया जाता है। और फिर हमारे जो मस्टर्ड्स के लीव्स होते हैं ना वो हम वेजिटेबल के रूप में लेते हैं, जिसे हमें हिंदी में धनिया के पत्ते बोलते हैं, ठीक है। सॉरी धनिया के पत्ते नहीं, मस्टर्ड्स के अलग लीव्स होते हैं, आई एम रियली सॉरी। फिर वो हम लोग वो खाते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कभी बनाना के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि वो हम कैसे कैसे खाते हैं। और अब हम दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं टेबल 1.4 में क्या क्या मेंशन है, ठीक है। ओके, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, जैसे कि यहाँ पर ब्रिंजल करी लिया हुआ है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, ब्रिंजल चिली स्पाइसेस एनी अदर ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट मस्टर्ड सोयाबीन एनी अदर प्लांट। क्या बता रहे हैं कि ब्रिंजल हमें चाहिए होता है, चिली एज स्पाइसेस, ओके, और ऑयल हम ना ग्राउंडनट से भी ले सकते हैं, मस्टर्ड से भी ले सकते हैं, सोयाबीन से भी ले सकते हैं, और या फिर दूसरे प्लांट से। अब ये जो है ना तीसरे वाले सेक्शन में दिया हुआ है प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, तो ब्रिंजल कहाँ से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, चिली कहाँ से, फ्रूट होता है, मतलब ये प्लांट के फ्रूट होते हैं, और ये ऑयल जो होते हैं वो सीड से मिलते हैं हमें, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर तीन टेबल पे, यहाँ पे फूड आइटम दिया हुआ था, यहाँ पे इंग्रेडिएंट या फिर सोर्स कह सकते हैं, और ये प्लांट के पार्ट जहाँ से ये इंग्रेडिएंट हमें मिलते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दीज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट्स पार्ट्स एज सोन इन टेबल 1.4। ये जो हमने टेबल 1.4 अभी देखा ना, ये उसी के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर जो हमने देखा ये एक्टिविटी 4 में उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब हम एक्टिविटी 5 पर चलते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दीज असाइड फॉर अ डे, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, वार्प देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड द फॉलोइंग डे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन दिस सीड। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मूंग या आप जो है चना ले लीजिए, वो आप पानी वाले बर्तन में डाल दीजिए और दूसरे दिन पानी उसमें से निकाल दीजिए और फिर किसी कपड़े में बांध दीजिए, और फिर आप जब दूसरे दिन देखेंगे ना तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो क्या चेंजेस होंगे कि उनमें स्प्राउट्स आ गया होगा, स्प्राउट्स मतलब अंकुरित हो जाएंगे, वो उसमें से ना रूट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो उसी को अंकुरित होना बोलते हैं। A small white structure may have grown
आउट ऑफ द सीड इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, मतलब कि वो सीड स्प्राउटेड हो गया, अंकुरित हो गया। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से उसको धोकर दूसरे बार ड्रेन करके, मतलब कि पानी उसमें से निकाल कर फिर उसे फिर से रख दे एक दूसरे दिन के लिए, ठीक है। ओके, चना के साथ भी आप देख रहे हैं यहाँ पे अंकुरित दिखा रहा है चना, ठीक है। कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब नेक्स्ट डे आप देखो कि जो हमारा सीड है वो स्प्राउटेड हुआ कि नहीं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। मतलब आप इसे धोकर फिर खा सकते हो, नहीं तो फिर आप इसे बॉयल भी कर लो और इसमें कुछ स्पाइसेस डालकर आप इसे और टेस्टी इसे बना सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हैव यू सीन अ बीव वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट, बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, कवर्ड इट इन टू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हिप। तो क्या बोल रहा है कि आपने कभी हनी बी को देखा है कि वो जो मतलब कि सॉरी हनी को वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो आपने कभी हनी बी को देखा है वो क्या करते हैं कि वो हमेशा बजिंग करते रहते हैं, वो ना कलेक्ट करते हैं नेक्टर, नेक्टर मतलब स्वीट जूस फ्लावर्स है। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि मधुमक्खियाँ क्या करती है ना, वो फ्लावर से स्वीट जूस एक निकालती है जिसे हमें नेक्टर बोलते हैं। स्वीट जूस निकालती है फ्लावर से और फिर वो अपने खोते में सारे रहते हैं और उसे फिर दिन ब दिन वो उसे वहीं पे हमारा जो है हनी प्रोड्यूस होता है। ओके, फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। वेन वी फाइंड सच अ बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो वो क्या करते हैं ना कि ये जो नेक्टर है ना, यानी कि स्वीट जूस फूल हो के, तो वो एक साल तक चलता है। तो वो क्या करते हैं मधुमक्खियाँ कि वो उसे कलेक्ट करते हैं और वो अपने खोते में वो डालकर रख देते हैं। तो अगर आप ऐसा खोता देखते हो तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो हनी को एज अ फूड। ओके, पॉइंट नंबर 1.5, व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब कि अब एनिमल क्या खाते हैं। भैया हम लोग तो खाते हैं फ्रूट्स, खाते हैं मीट खाते हैं, लेकिन एनिमल भी तो क्या खाते हैं ये भी तो हमें जानना है। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग कैट बफेलो और अ गॉट। कि आपने कभी देखा है कैटल या फिर एक पेट को कि वो क्या, मतलब उनका ख्याल कैसे करता है, एक डॉग एक कैट या फिर एक बफेलो और गॉट। सो लेट्स फाइंड आउट फिगर 1.8, स्क्वायरल ईटिंग नट्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि स्क्वायरल जो है नट्स खा रहे हैं। स्क्वायरल आपने कभी देखा है, बहुत ही प्यारे होते हैं। ओके, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वॉट अ स्क्वायरल, फिगर 1.8 में जो शुरू किया हुआ है, पिजन लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। तो आपने श्योरली फूड के बारे में फूड के बारे में जो एनिमल खाते हैं वो पढ़ा होगा। वॉट अबाउट अदर एनिमल, मतलब कि अदर एनिमल के बारे में क्या। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि फिगर 1.8 में स्क्वायरल है यहाँ पे, पिजन लिजर्ड स्मॉल इंसेक्ट वो क्या खाते हैं। सो एक्टिविटी 6, ओके एक्टिविटी 6 में हम देखते हैं, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम दे टाइप द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवेन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेवरल एनिमल जो है लिस्ट किए हुए टेबल 1.5 में, और सम के कुछ के जो है टाइप ऑफ फूड यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ आप भरो, ठीक है। तो हम करते हैं ये,
यहाँ पे कुछ जो जानवर दिए हुए हैं बफेलो जैसे, तो वो क्या खाते हैं, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, जैसे कि सभी को पता है कि वो घास खाते हैं। ऑयल केक मतलब कि वो जो होता है ना ग्रेन्स, वो ग्रेन्स भी लेते हैं। कैट क्या लेते हैं, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स और मिल्क। वो क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, स्मॉल एनिमल्स लेते हैं, बर्ड लेते हैं, मिल्क लेते हैं। यहाँ पे और भी एनिमल्स के नाम लिस्टेड है, जैसे कि रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस, लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स। तो आप इन एनिमल्स के वो जो फूड खाते हैं वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ओके, एक्टिविटी 7 पे आते हैं। हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1। दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस। ओके, तो क्या बोल रहे हैं ना, टेबल 1.5 में आपने देखा कि यहाँ पर जो एनिमल्स एंटर किए हुए हैं ग्रुप में एज फॉलोज, सम प्लेस एनिमल विच एट ओनली प्लांट्स, मतलब कि जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं ना और या फिर प्लांट के प्रोडक्ट, वो ग्रुप 1 में आते हैं, जिसे हार्बीवोरस कहते हैं। तो दैट मीन्स हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं या तो प्लांट के प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। और देर आर सम एनिमल्स विच इट ओनली एनिमल्स, मतलब कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को ही खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। यहाँ पर थे हार्बीवोरस और यहाँ पर कार्निवोरस। हार्बीवोरस वो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, और कार्निवोरस वो जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल खाते हैं। ओके, डिड यू फाइंड सम अदर एनिमल विच इट ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब सॉरी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और वो एनिमल भी खाते हैं, ऐसे जानवर को ओमनीवोरस बोलते हैं। ओके, वो ग्रुप 3 में आते हैं। सो प्रिपेयर टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर द देस सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज सोन। जैसे कि यहाँ पर लिस्ट एग्जांपल के तौर पे हार्बीवोरस में काऊ को डाला हुआ है क्योंकि वो सिर्फ घास वगैरह प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोरस में लायन, लायन तो सिर्फ जानवर खाते हैं, और डॉग जो है ना दोनों चीज़ खा लेते हैं। जैसे कि डॉग को अगर आप प्लांट प्रोडक्ट दोगे वो भी खा लेंगे, वो जानवर भी खाते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है। ओके, वी नो दैट देर आर मेनी अमोंगेस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट यहाँ पे फूड, मतलब कि हम ऐसे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे में से जिनके वो सफिशियंट फूड नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज वाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड हमारे कंट्री में प्रोड्यूस कर सके। डेट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर डेट दिस फूड इज मेड ईजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। ओके, तो हमें ना ऐसी कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम ऐसे वेज लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो फूड के और सभी को आसानी से खाने को मिल सके, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो हम कीवर्ड्स के पर डिस्कस कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट, यहाँ पे इंग्रेडिएंट दिए हुए, इंग्रेडिएंट जैसा कि हमने बात किया था, इंग्रेडिएंट वो होते हैं जो फूड में हमने डाला होता है, जैसे कि फूड, किसी भी फूड को बनाने के लिए जो मटेरियल्स जाते हैं उन्हें इंग्रेडिएंट बोलते हैं। एडिएबल मतलब कि जो चीज़ हम लोग खा सकते हैं वो एडिएबल होता है। नेक्टर, फूल के जो स्वीट जूसेस होते हैं ना उनके नेक्टर बोलते हैं, जो कि हनी भी कलेक्ट करते हैं फूलों से। स्प्राउटेड सीड्स मतलब अंकुरित अनाज, अंकुरित सीड्स, अंकुरित बीज, जैसे कि मूंग, चना, ठीक है, जब उनमें अंकुरण आ जाता है तो वो अंकुरित अनाज बोला जाता है। हार्बीवोरस वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं। कार्निवोरस वो जानवर, वो एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनीवोरस जो कि प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स भी हो गए। यहाँ पर एक छोटा सा समरी दिया हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि यहाँ पर तरह तरह के वेरिएशन, मतलब कि बदलाव, मतलब कि अलग अलग तरह के फूड खाए जाते हैं पूरे इंडिया में।
द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट एंड एनिमल। जो मेन सोर्स होते हैं फूड के वो प्लांट और एनिमल होते हैं। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। मतलब कि वो जानवर जो सिर्फ और सिर्फ जानवरों को खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। और वो एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। वो जानवर जो प्लांट भी खाते हैं और अदर एनिमल को भी खाते हैं उन्हें ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, ये मेरे फर्स्ट वीडियो थी मेरी YouTube चैनल पे, तो प्लीज़ अब मुझे बहुत सारी सपोर्ट चाहिए आप लोगों के तरफ से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़, थैंक यू।